स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज हम 17 मार्च 2019 का करंट अफेयर्स का वीडियो, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर अब तक आपने स्टडी इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन पर क्लिक करना भी ना भूले। यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत 2020 में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। यानी कि जो 2020 में फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा, उसकी मेजबानी भारत करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर जा लेते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बारे में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रफुल्ल पटेल। फाउंडेड ईयर इसका 23 जून 1937। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? द्वारका, दिल्ली में। तो ये थी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक अब क्रिप्टो करेंसी बनाने जा रही है। यानी कि दुनिया की जो सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है फेसबुक, वो अब क्रिप्टो करेंसी बनाने जा रही है। इससे ये फायदा होगा कि यूजर मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसी सर्विस के जरिए एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। आइए जान लेते हैं फेसबुक के बारे में। फेसबुक का फाउंडेड ईयर फरवरी 2004। सीईओ इसके मार्क जुकरबर्ग। हेडक्वार्टर का स्थित इसका US में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। CFO इसके डेविड वहानर। तो ये थी फेसबुक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड ने 40 बेस्ट इंडियन ब्रांड्स की लिस्ट जारी की है, जिसमें टाटा देश का सर्वश्रेष्ठ ब्रांड बना है। यानी कि जो ब्रांड कंसल्टेंसी इंटर ब्रांड है, उसने 40 बेस्ट इंडियन ब्रांड्स की लिस्ट जारी की है, जिसमें टाटा देश का सर्वश्रेष्ठ ब्रांड बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर जान लेते हैं देश के टॉप 3 ब्रांड के बारे में। सबसे पहले जानते हैं ब्रांड और उसके बाद में जानेंगे उनकी वैल्यू। पहला ब्रांड है टाटा, जिसकी वैल्यू है 78,722 करोड़। दूसरा ब्रांड है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी वैल्यू है 42,826 करोड़। और तीसरा ब्रांड है भारती एयरटेल, जिसकी वैल्यू है 32,235 करोड़। यानी कि पहले स्थान पर है टाटा, दूसरे स्थान पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज और तीसरे स्थान पर है भारती एयरटेल। तो ये थे देश के टॉप 3 ब्रांड। आइए जान लेते टाटा ग्रुप के बारे में। टाटा ग्रुप के ओनर कौन है? टाटा सन्स। फाउंडर है इसके जमशेदजी टाटा और फाउंडेड ईयर इसका 1868 मुंबई। तो ये थी टाटा ग्रुप से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूट्यूब स्टार और कॉमेडियन लिली सिंह NBS चैनल में एक लेट नाइट के शो को होस्ट करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनेगी। यानी कि जो यूट्यूब स्टार और कॉमेडियन है लिली सिंह, वो NBS चैनल में एक लेट नाइट के शो को होस्ट करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनेगी। ये NBS चैनल कौन से देश का है? अमेरिका का। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर जान लेते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। कैपिटल है Washington DC। वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस और करेंसी है US डॉलर। और आपको जो फ्लैग दिखाया गया है, ये अमेरिका का फ्लैग है। तो ये थी अमेरिका से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद सतेह को फिलिपिस्तीन का नया प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। यानी कि जो मोहम्मद सतेह है, उनको फिलिपिस्तीन का नया प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल जान लेते हैं फिलिपिस्तीन के बारे में। फिलिपिस्तीन की कैपिटल है रामाल्ला। प्रेसिडेंट है महमूद अब्बास। प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद सतेह और कॉन्टिनेंट देश है एशिया। तो ये फिलिपिस्तीन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल कंपनी ने अपने इंस्टेंट मैसेजिंग मोबाइल ऐप अलो को बंद करने की घोषणा की है। यानी कि जो गूगल कंपनी है, उसने अपने इंस्टेंट मैसेजिंग मोबाइल ऐप अलो को बंद करने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल जा लेते हैं गूगल के बारे में। गूगल के CEO है सुंदर पिचाई।
फाउंडेड ईयर इसका 7 सितंबर 1998। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके अल्फाबेट INC। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित इसका? US में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट में। फाउंडर्स इसके लेरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। तो ये थी गूगल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात में फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का उद्घाटन किया है। यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उन्होंने गुजरात में फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का उद्घाटन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल जान लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी, गवर्नर है ओम प्रकाश कोहली, राज्यसभा सीटें 11 और लोकसभा सीटें 26। तो ये थी गुजरात राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड रिजर्व में भारत ने 11वीं रैंक हासिल की है। यानी कि जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है उसकी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड रिजर्व में भारत ने 11वीं रैंक हासिल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेवल जान लेते हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? UK में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। CEO इसके डेविड थ्रेट। फाउंडेड ईयर इसका 1987। CFO इसके टेरी हैमन। तो ये थी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलते हैं हमारे अगले करंट अफेयर्स के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।